हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने कार्बनिक रसायन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन भाग 3 में लेकर आए हैं। यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलो मेरे प्यारे दोस्तों, हम देखते हैं, ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन है कि किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग करते हैं? तो लैक्टिक अम्ल को। लैक्टिक जो अम्ल है इसको हम बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग करते हैं। फोटोग्राफिक के निर्माण में किस अम्ल को प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सैलिक अम्ल को। आगे देखिए, तीसरा 143 नंबर पे, फोटोग्राफिक में ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किस रूप में होता है? तो फेरस ऑक्सैलेट में। स्याही के धब्बे को मिटाने में प्रयुक्त होता है ऑक्सैलिक अम्ल। 145 नंबर पे देखिए, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। मानव के गुर्दे में बनने वाली पत्थरी प्राय बनी होती है कैल्शियम ऑक्सैलेट से मानव के गुर्दे में पत्थरी बनती है। कार्बनिक यौगिक में से किसे आयरन यौगिक उत्पादन दाग को निकाला जाता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल से। अगला है, पौधों की कोशिकाओं में ऑक्सैलिक अम्ल किस रूप में होता है? तो कैल्शियम ऑक्सैलेट के। आइडोफार्म उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो पूर्ति रोधी में। 150 नंबर देखिए, किस कार्बनिक यौगिक को सबसे पहले प्रयोगशाला में तैयार किया गया? तो यूरिया को। किसे कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है? तो यूरिया को जाना जाता है। किस उर्वरक में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है? तो यूरिया में। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? एमाइड में। नाइट्रोजन में यूरिया की किस मात्रा होती है? 46%, जो हम आप क्या काम करते हैं अपने गेहूं में डालने के लिए, अपनी फसलों में डालने के लिए यूरिया खरीदते हैं, तो उसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 46% होती है। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया? तो ओहलर साहब ने किए थे। एरोमेटिक यौगिक का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो बेंजीन को। कौन सूक्ष्म धुलाई में काम आता है? तो बेंजीन जो है सूक्ष्म धुलाई में काम आता है। गैमेक्सिन एक है कीटाणुनाशक। गैमेक्सिन जो है कीटाणुनाशक है, वो कीटों को नष्ट करती है। लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके बनाता है क्लोरोबेंजीन। ट्राइनाइट्रोबेंजीन है एक विस्फोटक है ट्राइनाइट्रोबेंजीन। ट्राइनाइट्रोटोलिन है एक विस्फोटक। मिरबेन के तेल के नाम से जाना जाता है? तो नाइट्रोबेंजीन को हम जानते हैं। रबड़ उद्योग में बहुलता होता है एनिलीन। DDT का पूरा नाम क्या है? तो डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल एग्जाम में आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में आता है, यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटर में भी ये आता है। तो ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आसु गैस का रासायनिक नाम है अल्फा क्लोरो एसिटोफिनोन। दवा बनाने में काम आता है बेंजोइक अम्ल। टमाटर की चटनी को अधिक समय तक ताज़ा रखने के लिए उसमें मिलाया जाता है सोडियम बेंजोएट। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल का। कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयुक्त होता है? सोडियम बेंजोएट। खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है सोडियम बेंजोएट। फ्रूट प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है बेंजोइक अम्ल। आंसू गैस में प्रयुक्त होता है क्लोरोएसिटोफिनोन। भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? तो क्लोरीन था वो। नेप्थलीन का मुख्य स्रोत है कोलतार। कोलरल क्लोरोबेंजीन के साथ संघनन पर देता है DDT। क्या देता है? DDT देता है। टेफ्लॉन क्या है? फ्लोरोकार्बन है। फ्लोरोकार्बन जो है टेफ्लॉन है। आरएलएल किसने बनने वाला पॉलीमर है? तो विनाइल क्लोराइड। क्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है PVC। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? एथिलीन का। कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो नाइलोन। कौन सा एक बहुलक है? तो स्टार्च। स्टार्च एक बहुलक है। बुलेट प्रूफ सामग्री बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? पॉलीएथिलीन। खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका लेप होता है? तो टेफ्लॉन का। प्लास्टिक वस्तुता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक। बेकेलाइट फिनाइल तथा और अन्य किसका बहुलक है? फॉर्मलडिहाइड का।
किसके बहुलीकरण से पीवीसी बनता है? तो विनाइल क्लोराइड से। टेफ्लोन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है? तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन के द्वारा। बरसाती किसने बनाया जाता है? तो बरसाती किससे बनाया जाता है? तो पॉलीकार्बोनेट से हम बरसाती या प्लास्टिक बनाते हैं। कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयुक्त होता है? पॉलीएथिलीन। टेलीफोन रिसीवर तथा रेडियो टेलीविजन के कैबिनेट किससे बने होते हैं? तो बैकेलाइट से बने होते हैं। नॉन स्टिकी बर्तनों के निर्माण में प्रयुक्त प्लास्टिक है टेफ्लोन। लोहा एलएसी एक है प्राकृतिक बहुलक। कृत्रिम रेशे का अन्य नाम भी है डेक्रॉन। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था रेयॉन। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है एडिपिक अम्ल। नायलॉन एक है पॉलीएमाइड। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रोपीन का। रियोन के निर्माण में कौन सा कच्चा माल प्रयुक्त किया जाता है? तो सेल्युलोज। प्राकृतिक रबड़ का वल्कीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? गंधक के साथ गर्म करना। वनस्पति तेल है असंतृप्त वसी अम्लों का ग्लिसराइड। ग्लिसराइड जो है ये वनस्पति तेल के अंतर्गत आता है। फलों के मीठे स्वाद का कारण है फ्रक्टोज। कार्बोहाइड्रेट इसके यौगिक हैं कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। सूखने वाले तेलों में काफ़ी मात्रा में होती है असंतृप्त वसा वाले अम्लों की। कौन सा कथन सही नहीं है? मेथिलिट स्प्रिट में केवल मिथेनॉल होता है। 205 नंबर पर देखिए एमाइडो को किस अवक्रिया द्वारा एमाइनो में बदला जाता है? तो हाफ मैन अवक्रिया। ग्लाइकोजिन स्टार्च और सेलुलोज बहुलक है तो ग्लूकोज के बहुलक हैं। वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम कराती है और शांति प्रदान करती है? तो प्रशांतक। साबुन निर्माण में होने वाली अवक्रिया को साबुनीकरण कहा जाए। इसके सोडियम और पोटेशियम लवण हैं दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बोक्सिल अम्ल के। 209 नंबर पर देखिए जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायन ने किया? तो बर्जिलियस साहब ने। एक विद्यार्थी ने संयोगवश एसीटोन को एल्कोहल के साथ मिला दिया, अब दोनों मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं? तो प्रभाजी आसव द्वारा। तो स्टूडेंट ये आपका कार्बनिक रसायन से संबंधित जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको भाग एक भाग दो भाग तीन करके बता दिया। अगर मेरा वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए।